नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पनीर। आइए शुरू करते हैं। मैंने 250 ग्राम ये पनीर ले लिया है और इसको ना ऐसे क्यूब में कट कर लिया है। अब इस पनीर को हम ये उससे अरारोट से कोटिंग करेंगे। तो इसको ना ये हमने अरारोट भी कहते हैं, कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, आपके पास जो भी हो उसको ले लेना। हम 2 चम्मच डाल रहे हैं और 1 छोटा चम्मच मैदा डाल दूँ और इसमें नमक जाएगा। नमक थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि अभी सोया सॉस भी डालना है, विनेगर ये सब चीज़ों में ना ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, नमक होता है। तो नमक थोड़ा ध्यान से देखते हुए और इसको इसमें कोट कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो और डालेंगे अरारूट, थोड़ा सा और डालती हूँ, 1.5 चम्मच और डाल दिया मैंने। अब ये सारी चीज़ों को इसमें कोट कर देंगे। बहुत लोग पकौड़ी की तरह भी तलते हैं लेकिन वो बहुत पकौड़ी जैसा हो जाता है, तो वैसा नहीं चाहिए हमें, हमें ऐसा ही चाहिए। अब ये हो गया, इधर मैं तेल गरम करने के लिए रखी हूँ। तेल गरम हो जाता है तो मैं आपको तल के दिखाऊंगी। अब ये तेल गरम हो गया, अब इसमें ना पनीर को एक एक करके डालेंगे, दूर दूर डालेंगे कि चिपके ना, और इसको ना शेलो फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में बना लो आराम से और इन्जॉय करो, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, घर में बहुत टेस्टी बन जाता है। और इसको ना सारे को शेलो फ्राई कर लेंगे। अगर आप ना मैदा और ये अरारोट को घोल के बनाओगे ना तो पकौड़ी जैसा हो जाता है। एक बार मेरे तरीक़ा से ज़रूर बनाइएगा और ये आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, सारे पनीर को ऐसे ही बहुत सॉफ्ट होता है पनीर, इसको थोड़ा हल्के हाथ से चलाना होता है। और ये देखिए हमें इतना ही तलना है पनीर को। अब ये हो गया, अभी इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे पनीर को मैं इसी तरीक़ा से तल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने तल के निकाल लिया और तेल मैंने निकाल दिया है, ये तेल ज़्यादा था, मैंने 1.5 चम्मच तेल इसमें रखा है और गैस ऑन है। और इसके बाद इसको क्या करेंगे कि इसमें मैंने 5-6 लहसुन छोटे छोटे काट लिया है और ये हरी मिर्च है, इसको डालेंगे इसमें। ये थोड़ा सा लाल हो जाए फिर इसमें सब्जियां डालेंगे। जब तक ये लाल हो रहा है तब तक क्या करते हैं कि हम ये जो कॉर्नफ्लावर है इसको 2 चम्मच ले लेंगे और 1/4 चम्मच मैदा लेंगे। ये क्यों लेंगे, ग्रेवी के लिए। और ये सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे जब तक ये लहसुन हमारा हो रहा है, और इसको ना ग्रेवी के लिए डाल देंगे। अच्छे से मिलाइएगा क्योंकि गुठली हो जाएगा तो मिलाना ज़रूरी है। अब ये हो गया, अब इसको रखते हैं और इसको चेक करते हैं, देखते हैं। ये हो गया हमारा लहसुन। अब इसमें ना मैंने क्या किया था कि 2 छोटे छोटे 2 प्याज थे, इसको ना मैंने कट कर लिया और कट करने के बाद ऐसे खोल लिया है एक एक करके। तो ऐसे खोलने से आप देखे होंगे रेस्टोरेंट वाले ऐसे ही प्याज चिली पनीर में डालते हैं, तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। और प्याज डालेंगे, 2 मिनट के लिए चलाएंगे, इसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च भी मैंने 1 ले लिया था, ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, बड़ा ही अच्छा लगता है इसमें। और फिर इसको दोनों चीज़ को 5 सेकेंड के लिए थोड़ा सा चलाएंगे।
ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, क्योंकि चिली पनीर में ना सब्जियाँ थोड़ी क्रंची अच्छी लगती है। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे, तो नमक ना आप थोड़ा हिसाब से डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस जो है उसमें ना नमक ज़्यादा रहता है, तो नमक को हिसाब से डालते हुए। और चिली पनीर है तो चिली तो जाएगा ही, तो एक चम्मच में चिली ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और ये सारी चीज़ों को 2 सेकेंड के लिए फिर से इसको चलाएंगे। ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस ये हो गया, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा नरम हो गया हमारी सब्जी। और फिर इसमें क्या करेंगे कि हमने ये सोया सॉस, ये चिली सॉस और टमाटर का ये जो केचप होता है ना, ये दोनों चीज़ मैंने ले लिया है। 2 चम्मच केचप है, 2 चम्मच चिली पनीर चिली सॉस है, दोनों को डालेंगे इसमें। इसको चला देंगे, मिला देंगे। उसके बाद ये सोया सॉस है, मैं 1 चम्मच ली हूँ, इसमें डाल दूँगी मैं। और ये इसको चलाएंगे 2 सेकेंड के लिए। अब ये हो गया, और मैंने विनेगर लिया था, विनेगर मैं 1 चम्मच ली हूँ, ये डालना ज़रूरी होता है चिली पनीर में। और ये सारे सॉस को एक बार मिलाएंगे ताकि सॉस पक जाए, कच्चा ना रहे। उसके बाद ये जो मैंने ये बनाया था ना अरारोट का और मैदा का जो घोल, इसमें डाल देंगे और डाल के और इसको चलाएंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है, अगर ज़रूरत पड़ी ना तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले पानी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये ठीक हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। आप एक साथ पानी मत डाल दीजिएगा, क्या होगा पानी डालने से ना चिली पनीर बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली हो जाएगी, हमें थोड़ा ठीक चाहिए। तो ये हो गया, अब ये सारी चीज़ उबल गए, आप देख सकते हो इसको उबालना ज़रूरी है। अब ये हो गया, अब ये जो हम पनीर फ्राई किए थे ना, ये सारे पनीर को इसमें डाल देंगे। और फिर इसको ऊपर नीचे हल्के हाथों से, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आप भी दोस्तों इसी तरीक़े से बनाइएगा और बड़ा टेस्टी लगता है, घर का बनाया हुआ फ्रेश और बहुत बढ़िया। ये मैंने पनीर भी घर में बनाया था, ये देखिए। अब ये सारे चीज़ों को हमने मिला दिए। अब ये एक चीज़ है जो कि मैं डालूँगी, तो मैं अजीनोमोटो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे पता है कि ये सही नहीं होता है सेहत के लिए, लेकिन थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं, इससे स्वाद अच्छा होता है, क्योंकि दुकान वाले भी डालते हैं, तो मैं सोची थोड़ा मैं भी डाल दूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और ये सारे चीज़ों को ऐसे मिला देंगे ऊपर नीचे, और ये हमारा रेडी हो गया बन के, और गैस को बंद कर देंगे। और मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सुंदर, क्रिस्पी, सॉफ्ट, एकदम बढ़िया, वाह, ये देखिए कितना बढ़िया बना है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर ऐसे बनाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कैसा बना आपका। ये देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी है हमारा चिली पनीर, आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, ये देखिए कितना सुंदर। अगर ये हमारा रेसिपी पसंद आए ना तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे बताइएगा आपको और क्या चाहिए। नमस्ते।